ये आज जिंजर ओटमील हलवा। अब ये है वीट, ठीक है, इसको मैंने भिगो के रख दिया है। भिगो के आपने रखना है, ये बहुत अच्छा सा स्वेल इस तरह हो जाएगा, फिर हम इसको पकाएंगे। यहाँ करूँगी, देखें ये बादाम पिस्ते आपको नज़र आ रहे हैं, ये घी है जो मेजर करके रखा हुआ है, चीनी है, ये आटा है जिससे रोटियाँ बनाते हैं, ये है ओटमील यानी कि दलिया, पॉरेज जिससे बनाते हैं। इसको मुझे आधा पीसना है, आधा ये साबुत जाएगा, और इतना सारा है ये सौंठ, ड्राई जिंजर पाउडर, ठीक है। सो मैं इसमें ओट्स आधे डाल देती हूँ जिसको मुझे पीसना है, आधा जो ओट्स है हम साबुत रखेंगे, और मुझे ब्लेंडर में डाल के वीट को भी पीसना है। देखें, पानी में भिगो के रखिएगा 4 से 6 घंटे, तो ही इस तरह होगा, ओके, नरम, और आप इसको पीस सकेंगे थोड़े से पानी के साथ। ये एक और बोल में निकाल देती हूँ, ये ओटमील फ्लावर बन गया। बहुत सारी रेसिपीज आपको मिलेंगी बुक्स में, नेट पे, कहीं भी, जिसमें ओटमील फ्लावर होगा, वो यहाँ नहीं मिलता है। अब उसमें क्या हमें खरीदना है, ये दलिया पीस लिया तो ओटमील फ्लावर बन गया, बस सिंपल एज दैट, ठीक है जी। सो ये साबुत दलिया, और ये वेरी सिंपल, ये कर लीजिएगा इसी तरह। और फिर मैं लगाती हूँ ब्लेंडर, और हम इसको ब्लेंड कर देते हैं, मगर मुझे इसको ज़रा छानना है भी, ऐसे नहीं। सो आई हैव गॉट अ छन्नी हियर, ब्रेक है। अच्छा, ऐसे करते हैं कि इसको मैं छान लेती हूँ अच्छी तरह धो के, ब्लेंडर में डाल के हमें ब्लेंड करना है। आप लोग आएंगे तो आपके सामने में ये हलवा बनाना। लेट्स स्टार्ट द हलवा। एक कप घी है, मुझे आधा डालना है, ठीक है, दूसरा हम ऊपर से ड्रिजल करेंगे। उसके लिए मैं इसको यहाँ साइड में रख देती हूँ, जैसे ये पिघल जाएगा तो आपके सामने जो मैंने यहाँ पीस लिया था वीट को, ये देखें अच्छी तरह इस तरह पीसिएगा, ओके, बिल्कुल फाइन होना चाहिए, बहुत थोड़ा सा, 1/4 कप मैंने इसमें पानी डाला था, ओके। सो मैं बताती चलूँ, एक बड़ा चमचा भर के दलिया है, एक बड़ा चमचा भर के दलिया मैंने पीस लिया है आपके सामने, आधा कप ड्राई जिंजर पाउडर है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा सौंठ का टेस्ट आना चाहिए, आधा कप ये वीट है, ठीक है, घी 1 कप मैंने लिया है, और 1 चमचा भर के हम यूज़ करेंगे आटा, इसके अलावा 1 कप चीनी है, बादाम पिस्ते हैं। सो जैसे ही ये गरम हो जाएगा ना, इसमें हम ये डाल के इसको भूनेंगे अच्छी तरह, इसको बहुत अच्छी तरह भूनिएगा। और जब भी मैं हलवे बनाती हूँ, आई ऑलवेज यूज घी या मक्खन। ब्लेंडर में से अच्छी तरह निकालिएगा, ठीक है, घी में अच्छी तरह इसको भूनिएगा, सोक करिएगा, तो ही आप इसको पीस सकेंगे। तरह तोड़ते जाइएगा और अच्छी तरह इसको भूनिएगा। सब्जी जो है वेजिटेबल और पनीर मक्खनी, उसको मैं एंड में बिल्कुल कंप्लीट करूंगी, हाँ, मक्खन डालूंगी, क्रीम है, ये सब कुछ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। तुम्हारी आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू, से देखती हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देख लो, मेरी कल भी बात होगी थी आपसे, आज भी होगी। क्या जी? मेरी कल भी आपसे बात होगी थी, आज भी होगी। तो आप लकी हैं, आपकी रोज रोज कॉल मिल जाती है। दिल में कितनी लकी हूँ, जब भी कॉल करें शुक्र है मेरी कॉल बात हो जाती है आपसे। जी बोले। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती थी। जी।
सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, बेसन का की दाल का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, ओके, गंदी का हलवा। ठीक है ठीक है, थैंक यू, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, चूंकि ये ओट एंड जिंजर हलवा है तो ये इसमें हम ओट्स डालेंगे यानी कि दलिया, ठीक है, इसको भी हम भूनेंगे, अच्छी तरह सब कुछ भूनना है। इसमें हम ये पिसे हुए ओट्स डालेंगे जो आपके सामने मैंने ग्राइंडर में डाल के पिसे, इसको चलाते रहिएगा, नीचे लग ना जाए, ओके। वुडन चमचे से करना है, वुडन चमचे से करिए, स्पैचुला आपको आसानी जिसमें भी हो, घर में जो भी हो उससे करिए, लेकिन चलाते रहिएगा कंटिन्यूसली, मुसलसल इसको चलाना है। अच्छा, अब हम इसमें एक चमचा भर के आटा डाला मैंने, जिससे हम रोटियां बनाते हैं, होल व्हीट फ्लार, ठीक है, और अब हम इसमें डालेंगे चीनी, दानेदार चीनी है ये, ओके, ये चली गई, सर्दियाँ चली जाएं उससे पहले ही बना लीजिएगा। जिन जिन लोगों को अदरक पसंद है, अदरक का फ्लेवर, सूंठ का फ्लेवर पसंद है, उनको ये हलवा बहुत अच्छा लगेगा। अब जैसे ही इसमें चीनी जाएगी तो ऑब्वियसली चीनी अपना पानी छोड़ेगी, तो आपको इसको फिर भी चलाते रहना। मैंने इसमें 1 से 1.5 कप पानी डाला था और अच्छी तरह भूना था पहले, फिर पानी डाला था, बिकॉज यू हैव टू कुक दिस पानी के साथ, ठीक है। पहले भून लीजिएगा घी में अच्छी तरह हर चीज़ को। अब आप इसमें डालेंगे सूंठ का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर है ये, इसको भी अच्छी तरह डाल के भूनिए, और फिर सर्व करने से पहले हम इसके ऊपर घी, इनफैक्ट डिश में निकालने से पहले मैं इसी में पकिया घी भी डाल दूंगी। चख लीजिएगा इफ़ यू वांट, आप थोड़ा सा ज़्यादा भी सौंठ डाल सकते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद तो तेज़ नहीं रखिएगा, बहुत 1/4 to 1/2 cup आप डाल सकते हैं, कप, ठीक है, 1/4 to 1/2 cup। मिठाई बनाते वक्त आप हलवे बनाएं जब भी तो अच्छी तरह आपको भूनना है इसको, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू कीप स्टरिंग इट ताकि वो नीचे लग ना जाए। बस ये हो गया है, ठीक है, दिस इज़ एब्सोल्युटली रेडी एंड डन। अब इसको मैं डिश में निकाल दूंगी, ऊपर से बादाम पिस्ते, एंड दैट्स इट।